सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों में चल रही हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. अब देखना, नवंबर 19 एग्जामिनेशन से पहले जो स्टूडेंट रिफॉर्म्स को लेकर ICAI ने कमेटी बनाया था, है ना, ICAI ने कमेटी बनाया था और बोला था कि ये कमेटी बैठेगी, ये कमेटी बात करेगी और नए नए रिफॉर्म्स के बारे में विचार करेगी. तो उस कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट रिकमेंडेशन अभी जारी करा है, राइट? उस कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट रिकमेंडेशन अब जारी करा है. 80 पेजेस का ड्राफ्ट रिकमेंडेशन है. तो उन्होंने 80 पेजेस का ड्राफ्ट रिकमेंडेशन दिया है और बोला है कि दिस इज आर रिकमेंडेशन, ये सारे हमारे रिकमेंडेशंस हैं जो हमें लग रहा है कि हमारे CA कॉरिकुलम में सुधार आना चाहिए, CA प्रोफेशन में सुधार आना चाहिए. और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के सजेशंस मांगे हैं कि आप भी अपना सजेशंस दें इस ड्राफ्ट कमेटी के ऊपर. अब लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बात जानकर बहुत हैरानी हुई मुझे कि पिछली बार इंस्टीट्यूट का कहना है कि जब बच्चों से रिकमेंडेशन मांगा गया था तो केवल 2500 लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था, केवल 2500 लोगों ने. यार मैं चैनल्स के अंदर देखता हूँ कि कितने हजारों लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इन चीज़ों के बारे में, और जब रिकमेंडेशन देने का टाइम आया तो सिर्फ 2500 लोगों ने रिकमेंडेशन दिया, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट रिकमेंडेशन एंड प्लस उनके खुद की मीटिंग हुई और खुद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे डिसीजंस लिए एंड अकॉर्डिंगली दे केम आउट विद दैट 80 पेजेस रिकमेंडेशन. अब उस ड्राफ्ट रिकमेंडेशन को मैंने भी रीड किया, एनालाइज करा, उसका समरी निकाला, इसलिए 3-4 दिन बाद में वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, बिकॉज पहले आई वॉन्टेड टू गो थ्रू दैट ड्राफ्ट रिकमेंडेशन बिफोर टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है? और टोटल मिलाकर 13 पॉइंट्स मैंने निकाला है कि ICAI उस ड्राफ्ट रिकमेंडेशन के माध्यम से क्या कहना चाहता है. मतलब वो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के अंदर वो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया गया है रिगार्डिंग द ICAI रिफॉर्म्स, तो कुल मिलाकर क्या 13 चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर कही गई है. अब ये जो 13 पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से समझना है. अगर बिकॉज इंस्टीट्यूट ने क्या करा है कि सजेशंस मांगा है, इंस्टीट्यूट ने फिर से स्टूडेंट से सजेशंस मांगा है. अब देखो, अगर आप इन पॉइंट्स से एग्री करते हो तो अकॉर्डिंगली आप अपने सजेशंस देना कि यस, हम इन पॉइंट्स से एग्री करते हैं और हम चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो, बिकॉज दोज 13 पॉइंट्स विल बी एक्सेप्टेड इन दैट केस. और अगर आप इनसे डिसएग्री करते हो तो प्लीज गिव योर रिकमेंडेशंस कि आई डोंट एग्री टू दिस ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस एंड दिस इज माय रिकमेंडेशंस. अगर लाखों स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन देंगे ICAI को फॉर ए चेंज, देन डेफिनेटली सम चेंज विल कम. बट अगर 2000, 2500, 3000, 4000 स्टूडेंट्स एप्लीकेशन देने लगे तो कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला. तो अगर लाखों लोग मिलकर रिकमेंडेशंस देंगे तो सम चेंज इज डेफिनेटली पॉसिबल. और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि यार इंस्टीट्यूट मेरा नंबर कम ना कर दे या फिर इंस्टीट्यूट मुझे फेल ना करा दे, बिकॉज ICAI ना ऐसा करता है, ना ICAI के पास ऐसे करने की कोई भी पावर्स है. Now let us go through the 13 points one by one. I have prepared that for you in a very summarized form. एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, अपने व्यूज दूंगा कि मेरे क्या व्यूज हैं, और आप चाहे मुझसे एग्री करें या डिसएग्री करें, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप भी अपना व्यू जरूर मेंशन करना कि आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या व्यूज हैं इन 13 पॉइंट्स को लेकर, वेदर यू एग्री और डिसएग्री. और एक रिक्वेस्ट और है यार, सिर्फ यहाँ कमेंट में अपने सजेशन मत डालना. ICAI ने बकायदा लिंक दिए अपने वेबसाइट के अंदर, वहां जाकर अपने सजेशंस डालना अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेशंस की कोई वहां पे वैल्यू हो. तो लेट अस गो थ्रू द पॉइंट्स. अब देखिएगा, ICAI कमेटी रिफॉर्म्स रिकमेंडेशन, ये एक PDF फाइल है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दिया है, इसे यू कैन रेफर दैट. 13 पॉइंट्स टोटल मिलाकर 13 पॉइंट्स है यहां पे. पहला, स्टेप वाइज मार्क्स आर मैंडेटरी. स्टेप वाइज मार्क्स देना क्या होगा, मैंडेटरी होगा इंस्टीट्यूट के लिए. एंड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज देयर इन द स्टेप वाइज मार्किंग स्टूडेंट मार्किंग प्रोसेस, कैंडिडेट्स कैन इन्फॉर्म द ICAI, इट विल बी री एग्जामिंड एंड रेक्टिफाइड. यार बहुत जल्दबाजी में ये बनाया है, टाइम ज़्यादा नहीं था तो दो तीन दिन से गो थ्रू करा और ये अभी बहुत जल्दबाजी में से तैयार किया है मैंने. सो दैट इज वाई कुछ यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो तो प्लीज इग्नोर दैट. तो अब देखो, ये जो स्टेप वाइज मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ना, कि ये स्टेप वाइज मार्क्स मैंडेटरी होना चाहिए, ये पहले से है, देयर इज नो चेंज. प्रैक्टिकली यहाँ कोई चेंज नहीं है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पहले से है, ये पहले से मैंडेटरी है. अब बोला जा रहा है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप ICAI को इन्फॉर्म कर सकते हो, उसको री एग्जामिन किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है, ICAI आपको समझना होगा, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि स्टेप वाइज मार्किंग्स का पैटर्न क्या है, कौन से स्टेप के कितने मार्क्स हैं. अगर स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि कौन से स्टेप के कितने मार्क्स हैं तो वो कैसे बताएगा आपको. तो आई थिंक यू शुड कंसिडर अबाउट इट. तो पॉइंट अच्छा है, बट कहीं ना कहीं जब आप स्टूडेंट को वो बेसिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो कि स्टेप मार्किंग कैसे होगी, तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल अनरीजनेबल है.
अब बताया गया है कि कौन कौन से एरर्स होंगे स्टूडेंट्स के पेपर में जो करेक्ट की जा सकती है और कौन कौन से एरर्स होंगे जो करेक्ट नहीं की जा सकती है। तो अब बोला गया कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर कुछ एरर हो जाता है, वैसे तो ओएमआर बेस्ड है तो प्रैक्टिकली गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, बट फिर भी एमसीक्यू क्वेश्चंस इन्होंने कवर कर दिया यहां पे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट, जैसे इंटर में पूछा जाता है करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस, तो आपने इनकरेक्ट लिख दिया, आंसर करेक्ट था, फिर आपने इनकरेक्ट लिख दिया, आंसर भी इनकरेक्ट था, बट फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिले, काट दिया उन्होंने, गलती से काट दिया, तो वहां मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व ही नहीं है। राउंडिंग ऑफ एरर्स, आपको पता है कि लाइक इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कभी कभी क्या हो जाता है, सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करता और उसकी वजह से भी नंबर काट दिए जाते हैं, तो बोला राउंडिंग ऑफ एरर्स अगर हुआ है तो उसके भी मार्क्स मिलने चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई, वी वेलकम दिस। अब देखो यहां पे जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिबेट है, पूरा का पूरा जो रिफॉर्म चला था है ना, वो ITO के अंदर इतने सारे टीचर्स बैठे थे, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, उनकी एक ही मांग थी अमेंड रेगुलेशन 39(4) एंड गिव द स्टूडेंट्स द राइट टू रीचेकिंग। अब देखना इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, बोला है कि जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व होगा एंड देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, वहां कोई करेक्शन की कोई स्कोप नहीं बनती है। तो इंस्टीट्यूट हैज क्लेरिफाइड दैट इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वेयर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज इन्वॉल्वड एंड सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्वड, कि यार किसी बंदे के अकॉर्डिंग 2 नंबर मिलना चाहिए था, किसी बंदे के अकॉर्डिंग 3 नंबर मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्वड है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्वड है, वहां दोबारा चेक करना उसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, रीमार्क्स देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वरना दैट इज अ विशियस साइकिल एंड इट इज नेवर गोइंग टू एंड। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कमिटी कह रहा है कि अगर ये चीज चालू हो गई तो यहां पे ये एक विशेष साइकिल हो जाएगा जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा। आई काइंड ऑफ एग्री एंड आई काइंड ऑफ डिसएग्री। मैं एग्री किस बात में कर रहा हूं और किस बात में नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों बता रहा हूं। आप कह रहे हो कि भाई एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व है, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है, पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर सकें, इसे दोबारा से चेक करवा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मैं बोलूंगा पार्शली आप सही हो बट पार्शली आप गलत हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है, माना कि एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है, सानिध्य सर आपको लग रहा है कि 2 नंबर मिलने चाहिए बच्चे को, किसी और टीचर को लग रहा है कि 3 नंबर मिलने चाहिए बच्चे को, दैट आई एग्री, ऐसा होगा। बट यार ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में होता है, अब इंस्टीट्यूट जवाब देगा कि 2 या 3% केसेस में होता है, बट ठीक है यार 2 या 3% केसेस में भी होता तो है ना, आखिर वो बच्चा जो 2 या 3% कैटेगरी में फॉल करता है, अगेन वो भी तो एक मासूम सा इनोसेंट सा स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत करा है, तो उसके केस के अंदर अगर सपोज ऐसा होता है कि यार उसने एक 5 नंबर का आंसर बहुत ही मेहनत के साथ लिखा, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा और उसको 0 मार्क्स मिल गया, कहा कितना मिल गया, 0 मार्क्स मिल गया, अगेन मैं कह रहा हूं ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है बट ऐसा भी देखने को मिलता है। सो वहां पे आप क्या बोलोगे, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व था, वहां पे आप क्या बोलोगे, एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व था, क्या उस केस में बच्चे का जो पेपर है, बच्चे का जो क्वेश्चन है वो दोबारा से चेक नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो यहां पे आपको दोबारा से क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, और यहां पे आपको एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि अगर ऐसा ग्रॉस नेग्लिजेंट का केस है तो वहां पे डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए स्कोप फॉर चेंज, देयर मस्ट बी डेफिनेटली ए स्कोप कि स्टूडेंट क्या कर सके, अपना ग्रीवियंस फाइल कर सके। आप फीस ले लो यार, आप चार्ज ले लो, अच्छा खासा फीस ले लो, यू टेक ए गुड फीस, बट गिव द स्टूडेंट टू राइट दैट ही कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर ही फील्स कि हिज ग्रॉसली नेग्लिजेंस का शिकार है वो, और उसको 0 मिला है, उसको 1 नंबर मिला है। उसके बाद बोला गया है रिकमेंडेशन दैट स्टाइफंड शुड बी डबल्ड, अच्छी बात है बट मेरे हिसाब से ये डबल नहीं, ट्रिपल्ड होना चाहिए, एटलीस्ट ट्रिपल्ड होना चाहिए, कम से कम 5,000 तो यार एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, 5,000 रुपए हर आर्टिकल को मिलना ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्टाइफंड, ताकि एटलीस्ट तो अपना जो डे टू डे नीड्स का बेसिक खर्चा है वो तो कम से कम निकाल सके, तो एटलीस्ट उतना बेसिक स्टाइफंड तो मिलना ही चाहिए। तो मैं स्टूडेंट से भी सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो लिंक दिया है ICAI ने उसको यूज करो मेरे भाई, यूज करो, लिखो स्टाइफंड डबल कर दो, डबल नहीं स्टाइफंड ट्रिपल कर दो, एटलीस्ट 5,000 दो, 6,000 दो, लिखो वहां जाकर कि प्लीज हमें दोबारा से रीचेकिंग का राइट दो। आप रिकमेंडेशन नहीं दोगे तो कैसे होगा, अगर लाख रिकमेंडेशंस नहीं पहुंच रहे हैं ना इंस्टीट्यूट के पास और फिर इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर रहा, मैं कहूंगा स्टूडेंट इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, लेकिन अगर लाखों बच्चों के रिकमेंडेशंस पहुंच रहे हैं और फिर भी इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करता, तब मैं कहूंगा कि यार इंस्टीट्यूट जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, बट प्लीज गिव द रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड। अब देखो अगला पॉइंट है आई डोंट एग्री, क्या कह रहे हैं ये, MCQs कोई काम के नहीं है।
एमसीक्यूज कोई काम के नहीं है, ये जो सीए फाइनल में एमसीक्यूज आ गया कोई काम का नहीं है। एमसीक्यूज कैन नॉट बी यूज टू टेस्ट द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। ऐसा आप इसलिए कह रहे हो बिकॉज आप वैसे एमसीक्यूज फ्रेम करते हो जहां लॉजिकल रीजनिंग चेक नहीं किया जाता, जहां रट्टाफिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है। बोला गया कि या तो एमसीक्यूज नहीं होना चाहिए या तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दे रहे हो और एमसीक्यू बेसिस में क्या कर रहे हो, स्टूडेंट से पूछ रहे हो। शायद उनका यह मानना है कि इससे स्टूडेंट के लिए स्कोर करना ज्यादा इजी हो जाता है एंड सीए फाइनल शुड बी मोर चैलेंजिंग। सो ये अगला रिकमेंडेशन है इनका। उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, आई एम हैप्पी विद दिस रिकमेंडेशन, ऐसा होना चाहिए था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मस्ट बी मैंडेटरीली अलाउड बाय द प्रिंसिपल इफ द ऑफर लेटर इज प्रोड्यूस्ड। अब पहले क्या था यार, आईसीएआई ने आपको चॉइस दे दिया था कि दो साल के आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बाद आप चाहे तो एक साल के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन बोला गया था कि प्रिंसिपल से अप्रूवल चाहिए, तीन महीना पहले बताना पड़ेगा। अब वहां पे पता चल रहा है प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं दे रहा, बच्चा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा। तो अब बोला गया है कि अगर किसी बच्चे का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाता है, प्रिंसिपल उसे मना नहीं कर सकता, प्रिंसिपल को उसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए परमिशन देनी ही होगी अगर वो ऑफर लेटर प्रोड्यूस कर देता है। सो ए वेरी वेलकम रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। अगला रिकमेंडेशन आया है, अगेन स्टूडेंट्स को हो सकता तकलीफ हो, काफी स्टूडेंट्स मुझसे एग्री ना करें, बट आई एम हैप्पी विद दिस रिकमेंडेशन। इट इज गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ आर प्रोफेशन एंड इट इज गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर एग्जामिनेशंस। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ अटेम्प्ट इन फाउंडेशन एंड इंटर, पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। आपको पता है कि सीए के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भाई तुम 10 बार एग्जाम दो, 15 बार एग्जाम दो, 20 बार दो, 50 बार दो, पता चला 20 साल तक तुम सीए देते जा रहे हो। बट अब इंस्टीट्यूट ने बोला फाउंडेशन के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है 3 अटेम्प्ट्स, मतलब बोला नहीं है सॉरी, रिकमेंड कर रहे हैं, ये अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिख रहे हैं, अगर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाता है भविष्य में तो ऐसा हो जाएगा। 3 अटेम्प्ट्स ऑफ फाउंडेशन, कि फाउंडेशन जो एग्जाम है उसके अंदर 3 ही अटेम्प्ट्स होंगे, 3 अटेम्प्ट तक आप क्लियर नहीं कर सकते हो तो अनफॉर्चुनेट है, आप अब आगे सीए की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, टाटा गुड बाय। बट यस, दे हैव दैट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कि मान लो कि भाई बीकॉम क्लियर करके दे कैन कम थ्रू दैट डायरेक्ट एंट्री रूट, वो एक ऑप्शन है दोबारा से। और फिर बोला गया है कि अगर कैंडिडेट को 20% से भी कम मार्क्स मिलता है इन 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स, इंटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इंटर की बात हो रही है, 3 अटेम्प्ट्स अगर मिलता है फॉर फाउंडेशन एंड इफ कैंडिडेट्स गेट लेस देन 20 मार्क्स इन 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स इन केस ऑफ इंटर, ही शैल बी डिबेल्ड फ्रॉम गिविंग एग्जाम्स फॉर अ ईयर। अब क्या होता है कि जनरली यार काफी सारे स्टूडेंट्स ना सीए को टाइम पास समझ के एग्जाम दे देते हैं, ठीक है यार फॉर्म भर दो, दे के आ जाओ यार, देने में क्या जाता है। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आईसीआई के पास जो पेपर्स आते हैं वो ढेर सारे पेपर्स आ जाते हैं और पता चलता है कि उसमें आधे पेपर्स काम के नहीं थे और कुछ नहीं लिखा है बच्चे ने। तो अब शायद आईसीआई का ऑब्जेक्टिव है, आईसीआई यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो एग्जाम मत दो, अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है, अगर तैयारी है तब एग्जाम दो, पूरी तैयारी नहीं है आधी तैयारी तो हो, बिकॉज बच्चे की आधी तैयारी भी होगी तो 20% से ज्यादा ही आएगा। लेकिन आप 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट तक एग्जाम दे रहे हो, आपके 20% नंबर भी नहीं आ रहे, यानी आप बिल्कुल बिना तैयारी के एग्जाम देने जा रहे हो और आपको डिबेयर कर दिया जाएगा, आप एक साल तक एग्जाम नहीं दे पाओगे। बट फाइनल में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फाइनल पहुंच गए हो तब भाई तुमको 10 अटेम्प्ट लगे, 20 लगे, 50 लगे, 2 और खत्म करो, नो सच रेस्ट्रिक्शन। फिर इन्होंने बोला फाउंडेशन फीस हम चाहते हैं कि हम इंक्रीज कर दें, फाउंडेशन की फीस हम इंक्रीज कर दें और मैंडेटरी कर दें स्टूडेंट्स के लिए कि उनको आईसीआई के वर्चुअल क्लासेस भी अटेंड करने होंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट। दैट इज देयर नेक्स्ट रिकमेंडेशन। आई शुड गिव अ थॉट प्रोसेस अबाउट इट, राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई एग्री विद दिस और आई डोंट एग्री विद दिस। अगला इंस्टीट्यूट ने बोला, मतलब बार बार इंस्टीट्यूट कह रहा हूं, कमिटी ने बोला, कमिटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिखा, सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इवैल्यूएशन। अब बच्चे क्या करते हैं, सजेस्टेड पेपर निकालते हैं, बोलते हैं देखो मेरा आंसर सजेस्टेड से मैच कर रहा है बट आईसीए ने मार्क्स नहीं दिया। अब आईसीए कहता है कि अरे भैया तुमको जो सजेस्टेड आंसर मिल रहा है ना, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इवैल्यूएशन, हम तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करते ही नहीं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इवैल्यूएशन। उसके लिए एक मॉडल पेपर दिया जाता है एग्जामिनर्स को कि आप मॉडल पेपर के बेसिस में चेक करो और एक स्कीम ऑफ मार्किंग होती है। अब ड्राफ्ट कमेटी ने यहां पे लिखा है कि बच्चे को मॉडल सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ड्राफ्ट कमेटी ने यहां पे लिखा है कि बच्चे को मॉडल पेपर मिलना चाहिए अगर आप कहते हो कि सजेस्टेड इज नॉट द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। तो बहुत ही अच्छी बात है, मिलना चाहिए, आई टोटली एग्री विद द ड्राफ्ट कमेटी। बट यहां पे इन्होंने ये कह दिया है कि मार्किंग स्कीम शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। क्या कह दिया है, मार्किंग स्कीम शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे थोड़े से एरर्स हैं यार, अभी मैंने बनाया था, साथ साथ मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ, तो ये जो फाइल मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा वो करेक्ट करने के बाद शेयर करूंगा, यहाँ पे थोड़े से एरर्स हैं, ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर्स जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इवैल्यूएशन, मॉडल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, मॉडल सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, और
उन्होंने ये कह दिया कि मार्किंग स्कीम नहीं दी जानी चाहिए। क्या कह दिया? मार्किंग स्कीम नहीं दी जानी चाहिए, डोंट गो बाय द स्क्रीम, यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने ये कह दिया कि मार्किंग स्कीम नहीं दी जानी चाहिए। अब आई डोंट एग्री विद दिस। अगर आप कह रहे हो कि मॉडल सॉल्यूशन दो, बट प्रैक्टिकली यार मार्किंग स्कीम भी दो ना, डरते क्यों हो? मार्किंग स्कीम भी दो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, पता चलना चाहिए बच्चे को किस बात के कितने नंबर मिल रहे हैं मुझको। अगली डिमांड थी स्टूडेंट्स की, इस डिमांड का ध्यान रख रहे हैं ये। जैसे काफी स्टूडेंट्स को निराशा थी कि प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि वो एग्जाम देके आते हैं तो उनको अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर का जो पोर्शन है वो तो वापस लाने को दे दिया जाता है, बट एमसीक्यू क्वेश्चंस उनको वहीं सेंटर में छोड़ के आना पड़ता है, एंड दे नेवर गेट टू नो कि उन्होंने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, उसके क्या आंसर्स थे, मतलब आफ्टर द एग्जाम्स। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, एमसीक्यू शीट्स भी क्या करने चाहिए, स्टूडेंट्स को रिटर्न कर देना चाहिए। अब आगे क्लैरिफाई कर रहा है कमिटी, बोल रहा है कि रेगुलेशन आईसीआई को पावर देता है टू मॉडरेट द रिजल्ट्स। आईसीआई क्या कर सकता है? टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड आईसीआई रिजल्ट्स को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसको डिस्प्ले करना चाहिए फॉर ट्रांसपेरेंसी। और कमेटी ने एक और बात बोली है, बोला कि इंस्टीट्यूट ने जब भी रिजल्ट्स मॉडरेट करा है ना, तब तब स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए करा है, मार्क्स इंक्रीज करने के लिए करा है, डिक्रीज करने के लिए नहीं करा है, दैट इज ऑल्सो द कमिटी हैज सेड। तो अगेन यस, डेफिनेटली आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए ताकि आपके स्टेक होल्डर्स के मन में कोई डाउट ना हो। एक और क्लैरिफिकेशन है, जैसे काफी बच्चों को डर लगता है कि अगर हम पेपर्स मंगाएंगे, रीवेरीफाई करेंगे, सर्टिफाइड कॉपीज मंगाएंगे, रीवेरीफाई करेंगे, तो क्या ICAI हमारा मार्क्स रिड्यूस कर देगा? कहीं रिड्यूस तो नहीं कर देगा वो? तो इन्होंने क्लैरिफाई किया है। अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली कमेटी ने क्लैरिफाई किया है, बोला है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर ICAI मार्क्स रिड्यूस नहीं करता है इन केस ऑफ रीवेरिफिकेशन, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ICAI डू हैव द पावर्स, बट ICAI ऐसा नहीं करता है, कभी भी मार्क्स रिड्यूस नहीं करता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 13 पॉइंट्स हैं इन नटशेल, दैट आई कैन टेल अ समरी ऑफ द ICAI कमिटी रिफॉर्म्स। अब आपको क्या करना है? बैठे रहना है, बात करना है? नहीं। अगर आप चाहते हो कुछ चेंज आए, आपको अपने रिकमेंडेशंस देने हैं, प्लीज गिव योर रिकमेंडेशंस। यार पिछली बार आई एम सरप्राइज, सिर्फ 2500 रिकमेंडेशंस गए हैं, सिर्फ 2500 रिकमेंडेशंस। प्लीज डोंट डू दिस। एटलीस्ट 1 लाख रिकमेंडेशंस जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 लाख रिकमेंडेशंस जाना चाहिए आपकी तरफ से ICAI को। गिव योर रिकमेंडेशंस, डरो मत, ये मत सोचो यार कुछ गलत होगा मेरे साथ, कुछ गलत नहीं होगा यार, तुम अपना रिकमेंडेशन दे रहे हो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। आप रिकमेंडेशंस में क्या देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से एज ए मेंबर ऑफ द फ्रेटर्निटी मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि ठीक है भाई, आई एग्री कि डिस्क्रिप्टिव आंसर में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट इन्वॉल्व है, बट एटलीस्ट जहां ब्लंडर किया है एग्जामिनर ने वहां तो बच्चे को मार्क्स दो, दैट विल बी माई वन ऑफ द रिकमेंडेशन। एंड अदर रिकमेंडेशन ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि भाई वो स्टाइफंड वहां पे इंक्रीज होनी चाहिए, कम से कम 5000 रुपए होनी चाहिए, राइट। एक रिकमेंडेशन की बच्चे को क्या मिलना चाहिए? एटलीस्ट ग्रॉस नेग्लिजेंस के केस में रिवैल्यूएशन का राइट मिलना चाहिए, और भले ही आप उसके लिए फीस चार्ज करते हो तो आप फीस चार्ज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उतनी फीस आपको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अच्छा एक पॉइंट रह गया यार मेरा डिस्कस करने के लिए, एक पॉइंट और बोला इन्होंने, आर्टिकलशिप टेन्योर। बोला है कि यार 3 साल का टेन्योर तुमको लगता नहीं है लंबा है, एज ऑन 2 डेज कॉन्टेक्स्ट 3 साल में बहुत कुछ हो जाता है, इसे रिड्यूस करो। तो इस पॉइंट को भी मैं अपने रिकमेंडेशन में डालूंगा कि यस, आपको ICAI टेन्योर रिड्यूस करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अपने आर्टिकलशिप का टेन्योर रिड्यूस करना चाहिए, और उस प्रोसेस के अंदर जब आप टेन्योर रिड्यूस कर रहे हो तो वहां पे आपको मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी ज्यादा इंट्रोड्यूस करने चाहिए, मोर देन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है, मोर देन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स। तो दिस विल बी ए फ्यू ऑफ माई रिकमेंडेशंस फ्रॉम माई साइड, ठीक है, ये कुछ मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे। एक रिकमेंडेशन मेरा और रहेगा, दैट इज आपको बच्चों को अलाउ करनी चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट एरिया में काम कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने मैंडेटरी कर दिया कि आपको सीए फर्म के अंदर ही काम करना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आज के टाइम में काफी बच्चे हैं जो फाइनेंस में जाना चाहते हैं, या फिर अलग अलग एरियाज है जहां सीए काम कर सकता है बट उसका एक्सपोजर नहीं दिया जाता। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो, जो फाइनेंस बेस्ड फर्म्स है जैसे कि गोल्डन शेक वगैरह है, राइट, तो वहां पे आप गोल्डमैन सैच है, तो जो भी फाइनेंस बेस्ड फर्म्स है या ऐसी कंपनीज हैं जो प्रैक्टिकली सीए फर्म्स नहीं है बट सीए भी उन सर्विसेज में इन्वॉल्व है, आपको वहां भी अलाउ करना चाहिए कि भाई एक सीए का स्टूडेंट क्या कर सके, वहां भी अपनी ट्रेनिंग ले सके अगर उसको फ्यूचर में वहां इंटरेस्ट है, उसको फ्यूचर में वहां भविष्य में उस पर्टिकुलर जोन के अंदर इंटरेस्ट है। एंड डेफिनेटली माई नंबर वन पॉइंट ऑफ रिकमेंडेशन विल बी कि ए स्टूडेंट शुड गेट द राइट टू रिवैल्यूएशन एटलीस्ट इन केस ऑफ केसेज वेयर देर इज ए ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यार आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तमन्ना कर रहा हूँ कि प्लीज अपना रिकमेंडेशन दो यार, प्लीज अपना रिकमेंडेशन दो, राइट। आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लिंक पर जाओ, अपना रिकमेंडेशन शेयर करो, डरो मत, अभी नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे, रिकमेंडेशन मांग रहा है ICAI, बी ए प्राउड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड गिव योर रिकमेंडेशन। एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा यार मैं स्टूडेंट से, देखो जो भी इंस्टीट्यूट के प्रोसेस में कमियां हैं क्रिटिसाइज करो,
राइट, क्रिटिसाइज डेफिनेटली हम करेंगे, हम सुधार मांगेंगे, हम अपने रिकमेंडेशंस देंगे, जरूरत पड़े तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन प्लीज रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूट, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपका मदर इंस्टीट्यूट है, इसे आप रिस्पेक्ट करें, इससे आप इज्जत दें और इसके बारे में बुराई ना करें। दिल को तकलीफ होती है यार, बिकॉज मैं भी इसी इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ। यस, प्रोसेस में कमियां हैं, हम मिलके प्रोसेस सुधारेंगे, हम रिकमेंडेशंस देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करना है करेंगे, मिलके चीज़ों सुधारेंगे, लेकिन अपने ICAI को, अपने मदर को गालियां नहीं देंगे। दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।